हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल क्लब इंडिया मंडी डबवाली की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्लास के अंदर शुरू कर रखा है आप लोगों के पास ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध करना, तो आज का जो हमारा विषय रहेगा HCF और LCM कैलकुलेट करना। हम प्राइम फाइव फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF और LCM कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब Our topic NCERT Maths Exercise 1.2 Class 10th. Our topic is how to find the HCF and LCM using prime factorization method. तो prime factorization के method के द्वारा हम HCF और LCM को calculate करना सीखेंगे। और exercise 1.2 का हमने एक sum लिया है जिसके अंदर 336 and 54 टू नंबर्स हैं, इनका हमने HCF भी कैलकुलेट करना सीखना है और LCM भी कैलकुलेट करना सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टेबल के ऊपर ये जाएगा। ये जाएगा सबसे पहले 2 के ऊपर। जब 2 के ऊपर जाएगा तो 168, देन आफ्टर अगेन वी चेक ये किस पर जाएगा, 8 है तो यहाँ फिर 2 पर जाएगा, 2 से आ गया 84, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 42 को फिर हम 2 से करेंगे तो 21। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 है, इसका मतलब अभी ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे 2 के बाद कौन सा आएगा, फिर 2 के बाद हम देखेंगे 3 के ऊपर ये जा रहा है तो 3 7 जा 21, फिर उसके बाद आ गया 7 7 7 बन जा 7। तो इस तरह से हम 336 के जो प्राइम फैक्टर हमने तैयार कर लिए। 336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो इस तरह से हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स तैयार हो गए हैं। इस इन द सेम वे हम 54 के भी फैक्टर तैयार करेंगे। तो 54 को सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे छोटा टेबल है 2 के ऊपर जा रहा है तो 27 × 2 = 54। देन आफ्टर यहाँ देखेंगे 7 है तो 7 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो हम इसके बाद चेक करेंगे 3 के ऊपर तो 3 पे जा रहा, 3 9 जा 27। आफ्टर दैट अगेन 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरह से 54 के भी हमने प्राइम फैक्टर जो है वो हमने तैयार कर लिए। तो इस प्रकार 54 के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए 2 × 3 × 3 × 3। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इकट्ठे करके, ये 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 4 times, एंड 3 1 times, 7 1 times। इन द सेम वे 54 2 1 time और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 कितने टाइम्स है, 3 times। तो HCF बड़ा आसान सा फंडा है। जैसा देखिए HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन शब्द मतलब सांझे। आप देख सकते हैं भी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इनके अंदर सांझी है। तो हम यहां देखेंगे ये एक तो 2 है, उसके बाद हम देखेंगे क्या इनके अंदर कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 2 को हम एक बार लिख लेंगे और 3 को भी, जो जो चीजें ज्यादा से ज्यादा इनमें कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ गया 2 × 3। तो इस प्रकार हम दिए गए 2 नंबरों का HCF निकाल सकते हैं। तो दोबारा एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 के प्राइम फैक्टर करने हैं, इसी प्रकार 54 के प्राइम फैक्टर करने हैं, उनको लिख लेना है। लिखने के बाद जो उनके बीच में सांझे फैक्टर हैं, ये देखिए 2 यहां नहीं है और 3 जो 2 बार है यहां नहीं है, 3 एक बार 2, ये 2 सांझे हैं। सांझे होने की वजह से इनको इकट्ठा लिख लिया गया तो जो कॉमन फैक्टर आ गया 6। तो इस प्रकार हमने HCF को निकाल लिया। 336 और 54 का HCF यहां पर कितना बना, 6। अब बारी आती है LCM की। तो LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसके अंदर, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं फैक्टर्स का यूज करेंगे जो हमने इनको लिखा था, 2 4 times 3 1 times 7 1 time। इन द सेम वे जो 54 है वो लिखा गया था 2 1 time 3 3 time।
तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आए, यानी कि एलसीएम निकल आए। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि हम देखेंगे यहां पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर, अगर दोनों में चेक करें तो 2 है, 3 है, 7 है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहां देखिए जो 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहां पर 1 है, यहां पर कितनी है 4। जो सबसे बड़ी पावर, ग्रेटेस्ट पावर है, वो हम ले लेंगे। ये देखिए एलसीएम 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 4। इस प्रकार 3 की ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहां हम 3 ले लेंगे। इसी प्रकार हम 7 की देखेंगे कितनी है 1, तो 1 ले लेंगे। तो यहां देखिए 2 कितनी बार 4 बार, इसी प्रकार 3 कितनी बार 3 बार, और 7 एक बार। यहां हम सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3024। तो इस प्रकार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो एलसीएम और एचसीएफ इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 2 नंबर्स का निकालना हम सीख गए हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एक फॉर्मूले के द्वारा, जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है, वो जो दिए गए नंबर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको यूज करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 में 4th सम है वो हम निकालेंगे। तो यहां पर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं 306 एंड 657, और उन दोनों का जो एचसीएफ हमें दे रखा है 9, और हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम किसका, 306 और 657 दोनों का हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो यहां देखेंगे कैलकुलेट क्या करना है एलसीएम, तो यहां एलसीएम लिख लिया गया। एचसीएफ दोनों का कितना दे रखा है 9, इसी प्रकार फर्स्ट नंबर कितना है 306 एंड सेकंड नंबर कितना है 657। तो इस प्रकार एलसीएम जो 9 यहां पर मल्टीप्लाई है उधर जाकर के डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, 3 4 जा, तो जब 34 पे ये कट गया, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो इस प्रकार हमने अपना एलसीएम कैलकुलेट कर लिया गया। इस जो हमारा जो लेसन है, इस लेसन के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 कवर कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो ये सम था, सेकंड सम ये भी कवर हो गया और फोर्थ सम ये भी कवर हो गया। आइए हम एक्सरसाइज 1.2 का जो अगला सम देखते हैं, जिसमें हमें अभी अभी सीखा था भी एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर की ओनली 2 नंबर्स थे। अब हम सीखेंगे 3 नंबर्स अगर हमें दिए हैं तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहां पर हमारा जो सम नंबर 3 है एक्सरसाइज का, 12 15 और 21, इसका हम यहां पर एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो वही हम मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 12 लेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3। इन द सेम वे 15 के फैक्टर बनाएंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इन द सेम वे 21 21 का देखेंगे, ये 2 के टेबल पर तो नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट हम 3 से देखेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इस प्रकार हमने 12 15 और 21 तीनों के प्राइम फैक्टर जो है हमने तैयार कर लिए हैं। 12 के हैं 2 into 2 into 3, इसी तरह 15 के हैं 3 into 5, इन द सेम वे 21 के 3 into 7, इसको इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहां पर सबसे पहले जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं, हमने देखना है इन तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो यहां पर देखिए 12 15 कॉमन कौन सा है, 2 तीनों में नहीं है, इसी प्रकार सेकंड 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 यहां पर देखिए 3 इन तीनों के अंदर कॉमन है, तो 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, केवल एक ही फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो इस प्रकार हमारा एक ही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 बच गया, तो एचसीएफ हमारा कौन सा हुआ 3।
इस प्रकार हमने HCF तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी बारी आती है इसी मेथड के द्वारा हम LCM किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो LCM इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर 2, 3 1 टाइम इन द सेम वे 15 के 3 1 टाइम, 5 1 टाइम एंड 3 1 टाइम, 7 1 टाइम, ये थे 21 के। तो इस प्रकार हमने यहां पर क्या देखना है, हम सभी फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहां पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो तीनों में हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर किसकी कितनी है, यहां 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 2 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 1, 1 है। इस प्रकार 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहां 1 लिख लेंगे। 7, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। अब क्या रह गया, इनको मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 2, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, इस प्रकार 420 हमारा जो आंसर प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हम जो अगर हमारे पास चाहे 2 नंबर हैं चाहे 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स का HCF और LCM हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा HCF और LCM किस प्रकार से निकाला जाता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इस समस्या के बारे में आप पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9416727044, और व्हाट्सएप पर जाकर अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी जो शिक्षा बाधित ना हो इसके लिए ये जो आपके लिए प्रयास शुरू किया गया है आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।